आपको लगता है कि लोगों से आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने से आपकी प्रॉब्लम का हल निकल आएगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर मैथिली सावंत। आई एम अ रिलेशनशिप कोच एंड योर फ्रेंड। कई बार हमारा ये मानना होता है कि अगर हमारी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई मिल जाए ना, तो मेरी प्रॉब्लम का हल निकल आ जाएगा। तो क्या होता है, जब भी घर पे कुछ अनबन हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको लगता है आपके नज़दीकी है। तो वो आपका पेरेंट हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपका कलीग हो सकता है। तो उनके साथ आप ये प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि हाँ बेटा, ऐसा सब होता है, वैसा होता है, पर अभी रहना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और वही प्रॉब्लम के बारे में बार 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 बातें होती रहती है। अगर बात सॉल्यूशन की हो ना, तो कोई बात है, उधर से बाहर निकलने का रास्ता आपको पता चल सकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप आपके फ्रेंड के पास भी जाते हैं, समझो उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया, तो फ्रेंड क्या बोलता है कि अरे सब बीवियाँ ऐसी होती है, सब बीवियाँ शादी के बाद ऐसे ही बार बार लगातार बोलती रहती है कि बदलो बदलो बदलो, और शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है। आप जो चीज़ें पसंद करते हो वो करना शायद पॉसिबल नहीं होता है, और ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ, दैट्स व्हाट दे बिलीव। और वो भी उनका बिलीफ आपके ऊपर इंजेक्ट कर देते हैं, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग द सेम थिंग, दैट मैरिज इज़ अ हॉरिबल थिंग इन योर लाइफ, और उसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि तेरी वाइफ तो ऐसा ऐसा करती है, मेरी वाइफ का देखो ऐसा ऐसा है, तो कितना प्रॉब्लम है मेरे ऊपर। तो कई बार आपकी जो फ्रेंड रहेगी ना, वो बोलेगी आपका हस्बैंड आपको इसमें घर के कामों में मदद नहीं करता है, पर मेरा हस्बैंड कभी कभी मुझे मारता भी है, ये भी होता है, तो मेरा दुख कितना डिफ़िकल्ट है और मैं कितना सहन कर रही हूँ, तो इतनी सी चीज़ें सहन करने के लिए तुझे इतना क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। ऐसे वो उनके तरफ से आपको ज्ञान दे देंगे। तो आपका प्रॉब्लम सुनने से वो रहे, खुद की प्रॉब्लम आपको ऐड ऑन करके बता दी, मतलब यू वर ऑलरेडी इन पेन, तो और ज़्यादा पेन लेकर आप घर वापस आ जाएंगे। सो जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बोलते हो ना आपकी प्रॉब्लम, और वो आपकी प्रॉब्लम को और अगर प्रॉब्लम ही बता रहा है, सामने से भी प्रॉब्लम के बारे में ही बात कर रहा है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज़फुल टू यू, बिकॉज यू विल बी मोर ऑफ निगेटिव थाट्स इन योर माइंड अगेन आफ्टर डूइंग दिस सच कॉन्वर्सेशन। सो इसीलिए आपको सही व्यक्ति की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप दोनों से जुड़ा हुआ नहीं है, एंड दैट पर्सन कैन प्रोवाइड यू थर्ड आई पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको कोचिंग की या फिर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैंने एक 90 डे स्टेप बाय स्टेप रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स बनाया है, जिसका नाम है यशस्वी सहज जीवन का फॉर्मूला। और ये कोर्स के जो वीडियोस है वो देखकर आप आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये कोर्स मैं आपको ऑफ़र करना चाहती हूँ। ये कोर्स में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। तो आई एम श्योर योर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, एंड दैट इज़ व्हाई यू विल टेक अ स्टेप अहेड एंड रजिस्टर फॉर दिस कोर्स, सो दैट आई कैन हेल्प यू। सो अलाउ मी टू हेल्प यू। आप जब तक स्टेप नहीं लेते हैं, मैं आपको कुछ मदद नहीं कर पाऊँगी। So that is why it is your duty to take responsibility for your problems and take action. So yeah, I'm sure that you will think over it. I will see you in my next video. Bye.